हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अब मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास लेकर के लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा प्रपोजल, प्रपोजल का डेफिनेशन को समझा, और उसके बाद हमने समझा था क्या कि वैलिड प्रपोजल्स के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्रपोजल को हम समझ चुके हैं। प्रपोजल के बाद कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, एक्सेप्टेंस। जब प्रपोजल कोई किसी को करता है तो फर्दर क्या होता है, सामने वाला जिसको प्रपोजल किया जाता है, जिसको हम लोग ऑफरी बोलते हैं, वो क्या करता है उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस करता है, तभी वो क्या बन जाता है, तब जाके वो बनता है अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल होता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था। आइए देखते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन दे रखा है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 क्लाउज बी, सेक्शन 2 क्लाउज बी याद रखना है, सेक्शन 2 क्लाउज बी बोलता है व्हेन द पर्सन टू व्होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, है ना। व्हेन द पर्सन टू व्होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, जब किसी को प्रपोजल दिया जाता है उस प्रपोजल, है ना, वो क्या करता है अपना साम, जिसको प्रपोजल दिया जाता है वो उस प्रपोजल को क्या करता है अपना, उस पर अपना सहमति दे देता है, असेंट दे देता है, असेंट, हिज असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति, अपना सहमति दे देता है, ठीक है जी। असेंट का मतलब क्या हो जाएगा जी, सहमति, अपना सहमति देता है। तो प्रपोजल सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब क्या ये कहा जाएगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेक्शन 2 क्लाउज बी को प्रॉमिस का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। अगर आपको एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन बोले या प्रॉमिस का डेफिनेशन बोले तो आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेम डेफिनेशन चलेगा एक्सेप्टेंस के लिए भी और प्रॉमिस के लिए भी, ठीक है जी। तो क्या एक्सेप्टेंस क्या हुआ, जब किसी को ऑफर किया जाए और वो उस ऑफर के को आपको अपना, है ना, एसेंट दे दे, अपना सहमति दे दे, तो उसको बोलते हैं जी कि प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, है ना। और जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफरी, है ना, जिसको ऑफर किया जाता है वो एक्सेप्टर हो गया, और जिसने ऑफर किया था वो क्या हो गया, ऑफरर। आइए पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं जी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या रिलेशन है। बड़ा अच्छा, है ना, एक हमारा प्रोमिनेंट पर्सन थे जिन्होंने बताया, सर विलियम एनसन, याद रखिएगा ये नाम, याद रखिएगा ये नेम, है ना। और ये जो क्लाउ, ये जो ये है, ये दिस वन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा तो और याद हो भी जाएगा, बड़ा मज़ेदार भी है ये, ठीक है ना। सर विलियम एनसन ने रिलेशन बताया था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके लिए बहुत अच्छा फ्रेज दिया था उन्होंने। फ्रेज क्या था, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर बोलता है, एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए क्या है, व्हाट अ लाइटेड मैच, व्हाट अ लाइटेड मैच, लाइटेड मैच मतलब माचिस, जली हुई माचिस की, है ना, तीली, है ना, इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो देखिए क्या होगा, लाइटेड मैच क्या है जी, ठीक है ना, ट्रेन ऑफ, जब माचिस, बारूद, ये क्या है ना जी, ट्रेन ऑफ गन पाउडर मतलब बारूद, ये क्या है जी, बारूद, ये क्या है, बारूद, समझते हैं ना, बारूद। और ये क्या है, लाइटेड मैच, है ना, आग, जब बारूद में आग लगाते हैं तभी ब्लास्ट करता है ना, तो क्या है, बोल रहा है जी कि लाइटेड मैच क्या है, एक्सेप्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस वाले को क्या बोलेंगे, ये है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऐसे लिखेंगे तो नहीं, यहां पे देखिए ये क्या है जी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये क्या है जी, ये है लाइटेड मैच क्या, एक्सेप्टेंस, जब लाइटेड मैच लगता है बारूद में तो वो जल जाता है, ठीक है ना, उसी तरीके से जब एक्सेप्टेंस दिया जाता है ट्रेन ऑफ गन पाउडर, तो बोलेंगे जी तो ट्रेन ऑफ गन पाउडर क्या है, तो ये हो गया जी ऑफर, यही हो गया ऑफर, है ना। जब ऑफर पर एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो, है ना, आगे एग्रीमेंट बन जाता है, इसीलिए कहते हैं कि व्हाट अ लाइटेड मैच, है ना, इज टू ट्रेन, है ना, ऑफर क्या है जी, ऑफर एक तरीके का लाइटेड, है ना, क्या है ऑफर, व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर को, है ना,
गन पाउडर में आग लगाने के लिए एक्सेप्टेंस क्या है, एक तरीके का क्या है, बारूद है, है ना, सॉरी आग है, एक्सेप्टेंस आग है जो बारूद है ना, जो बारूद में जब लगता है तो है ना, ऑफर में लगता है तो ऑफर एग्रीमेंट बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। जिस तरीके से हमने ऑफर में वैलिड है ना, ऑफर के लिए क्या क्या इसेंशियल्स थे, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए भी क्या क्या इसेंशियल्स होंगे, कुछ तो होंगे जो लॉ ने हमें बता रखा है। कहाँ पे बता रखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है हमें कि एक्सेप्टेंस, प्रॉपर एक्सेप्टेंस मतलब वैलिड एक्सेप्टेंस क्या क्या होंगे, कब कब माने जाएंगे एक्सेप्टेंस को वैलिड। तो बोलता है रूल नंबर वन, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाई पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर किया गया है, है ना। मैंने आपको ऑफर किया है कि मुझे है ना, मुझे अपनी बाइक 50,000 में आपको बेचनी है, तो एक्सेप्टेंस आप ही देंगे, है ना। आपके फ्रेंड, आपके ब्रदर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑफर आपको दिया है, स्पेसिफिक ऑफर है आपको दिया है, ठीक है जी। जनरल ऑफर के केस में क्या होगा कि मैंने दिया कि सारे सी ए स्टूडेंट को जो भी मेरे पास पढ़ने आएंगे उनको मैं डिस्काउंट दूंगा, तो मैं सिर्फ सी ए स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, अदर देन सी ए स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑफर को एक्सेप्ट वही करेगा, है ना, ऑफर को एक्सेप्ट वही करेगा जिसको ऑफर दिया गया है, ठीक है जी। सेकंड आते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब एक्सेप्टेंस कोई देगा ऑफर पर, जब उसको ऑफर किया गया, वो जो एक्सेप्टेंस देगा तो जैसे बोला गया है वैसे ही देगा, एब्सोल्यूट देगा, फुल फ्लेज देगा, ठीक है ना। एंड अनक्वालिफाइड, बिना कोई कंडीशन, अनक्वालिफाइड मीन्स अनकंडीशनल, कोई कंडीशन लगाए बिना, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, ये फुल फ्लेज, फुल फ्लेज, जैसा दिया गया है वैसा ही, फुल फ्लेज में, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि आप, मैं आपको अपनी बाइक 50,000 में दे रहा हूँ, आप मेरी बाइक एक्सेप्ट कीजिए, तो आप मेरी बाइक को 50,000 में लेने के लिए जब एग्री हो जाएंगे, तब इसको बोलेंगे कि आपका एक्सेप्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट भी है और अनक्वालिफाइड भी है। उसके बाद आते हैं जी पॉइंट नंबर थ्री, मीन्स रूल नंबर थ्री में, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब आपने एक्सेप्ट किया तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि आपने मेरी बाइक लेने के लिए है ना रेडी है, आप मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा। कम्युनिकेशन या तो आप बोल के कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। विदाउट कम्युनिकेशन कभी भी है ना, विदाउट कम्युनिकेशन कभी भी आप एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा था, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू होम है ना ऑफर इज मेड। यहाँ देखिए केस है, यहाँ पे एक बार ये छूट गया, ये केस भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इस वाले में, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये केस जो है ना बहुत जगह अप्लाई होता है, अब ये केस को समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। सॉरी कि वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, पहले इसको देख लेते हैं, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लाइल वाज है ना पर्सन जिसकी वाइफ भी कार्लाइल थी, वाइफ का भी नाम मिसेस कार्लाइल और मिस्टर कार्लाइल। उसकी वाइफ ने इन्फ्लुएंजा कि एक दवाई ली थी जो इस कंपनी ने बनाया था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने इन्फ्लुएंजा की एक मेडिसिन बनाई थी, और उनका चैलेंज था कि जो भी मेरे मेडिसिन को ले लेगा उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। बट मिसेस कार्लाइल जो थी, उसको ये मेडिसिन लेने के बाद इन्फ्लुएंजा हो गया और उसने केस कर दिया कंपनी में। कंपनी का कहना था कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या बोला, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। बोला कि हमने आपको ऑफर दिया ही नहीं, आपने कैसे एक्सेप्टेंस कर लिया। तो कोर्ट ने बोला नहीं, कंपनी ने जो ऑफर दिया था वो जनरल ऑफर था, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। और एक्सेप्ट कैसे किया, उसने मेडिसिन को कंज्यूम करके खरीदा, खरीद के कंज्यूम किया, इसका मतलब उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। तो इस केस में यह था, यहाँ पे ये भी आता, और यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जब जनरल ऑफर होता है ना तो एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है। ये कार्बोलिक कंपनी ने जनरल ऑफर दिया था जिसको है ना कार्लाइल ने है ना जो कि जनरल पब्लिक में से कोई एक था उसने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए आते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस इससे भी समझ कोरिलेट कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब एक्सेप्टेंस किया तो कम्युनिकेट करना जरूरी है। यहाँ पे कैसे कम्युनिकेट किया, ये कंपनी ने कहा, यहाँ पे ये भी कहा था कि क्या आपने मुझे एक्सेप्टेंस बताया था, तो बोला नहीं, कम्युनिकेट ही तो कर दिया ना, मैंने आपके दवा को खा लिया, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने आपकी दवा खरीदी थी, उसको खाया, मेरी वाइफ कार्लाइल की वाइफ ने, मिसेस कार्लाइल ने खरीदा और खाया। तो ये एक्सेप्टेंस है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन है ना, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है, बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एक्सेप्टेंस का कम्प्लीशन है ना, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफर का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन, ये तीनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी। आगे आते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रेस्क्राइब मोड। एक्सेप्टेंस उसी मोड में होगा जिस मोड में बोला जाए, जैसे मैंने बोला ना कि मेरी बाइक मैं आपको 50,000 में दूंगा, बट
वो 50,000 मुझे आप कैश में देंगे, ठीक है ना। प्रेस्क्राइब मोड है ना, यहाँ पे प्रेस्क्राइब मोड याद रखिएगा, प्रेस्क्राइब मोड, जिस मोड में ऑफर किया गया है, ऑफरर ने बोला है एक्सेप्टर को, उसी मोड में एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं ऑफरर हूँ, मैंने आपको ऑफर किया अपनी बाइक 50,000 इन कैश, कैश में, तो आप कैश ही देंगे, आप चेक नहीं देंगे, डीडी नहीं देंगे, आप कैश देंगे प्रेस्क्राइब मोड में। उसके बाद आते हैं एक्सेप्टेंस विद इन टाइम। अब मैंने बोला कि भाई मैं जो आपको बाइक दे रहा हूँ, आपको 10 दिन के अंदर मेरे ऑफर के बारे में बताना पड़ेगा, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जनरली ऑफर क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर में भी हम लोगों ने देखा था, है ना, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, है ना, मतलब वो बहुत टाइम, कुछ टाइम के लिए खुला होता है ऑफर। उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे आपको क्या दिया, एक टाइम दिया कि विद इन एक वीक के अंदर आपको बताना पड़ेगा मेरे ऑफर के बारे में, अगर आपने नहीं बताया तो ऑफर लैप्स। इसलिए कहते हैं कि है ना एक्सेप्टेंस, है ना, विद इन टाइम। और जहाँ पे टाइम नहीं दिया हो, ऑफर ने कोई टाइम नहीं दिया है, तो कहते हैं वहाँ पे जी रीजनेबल टाइम, वहाँ पे क्या होगा जी रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम भी तो होता है ना, केस टू केस ये वरी करेगा, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम पे हम आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं जी, है ना, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल क्या है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आप, मैंने बोला आपको कि आप अगर आप ये वन वीक में आपने मेरे ऑफर के बारे में कुछ नहीं बताया, जो बाइक बेचने की बात थी, तो मैं समझूंगा आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरे ऑफर को, तो ऐसा नहीं है जी। इसीलिए कहता है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसमें एक केस था फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। फेल्ट हाउस एक अंकल थे जिनका भांजा था ये बिंडले, है ना, जो कि हॉर्स, उसके हॉर्स एस्टेबल था उसके पास, जिसके बहुत सारे हॉर्स थे। इसने एक बोला कि एक हॉर्स मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, तुम अगर चार दिन में मुझे नहीं बोलोगे कि तुमने दिया कि नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा कि ये हॉर्स मेरा हो गया। और हुआ क्या ना कि ये हॉर्स इसने साइड तो कर दिया, बिंडले ने एक हॉर्स को साइड कर दिया अपने, है ना, मामा के लिए, फेल्ट हाउस के लिए, अपने अंकल के लिए। लेकिन उसके सर्वेंट ने क्या किया ना, कुछ हॉर्स को बेच रहा था उसमें, वो हॉर्स भी बेच दिया जो बिंडले ने फेल्ट हाउस के लिए अलग किया था। अब फेल्ट हाउस ने केस कर दिया बिंडले पे कि तुमने मेरे वाले हॉर्स को बेच दिया जो मेरे लिए था। तो बिंडले ने कहा नहीं, मैंने एक्सेप्ट कहाँ किया था आपको, बोला नहीं तुमने एक्सेप्ट किया था ना, अलग रख दिया था उस हॉर्स को। तो बोला अलग तो रखा था, क्या मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था ना जी, है ना, मैं चुप रह गया था। तो कहते हैं मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, चुप रह जाना ही नहीं। बिंडले अगर फेल्ट हाउस को बता देता कि ये हॉर्स मैंने आपके लिए अलग रख दिया, तब एक्सेप्टेंस होता। यहाँ पे तो वो साइलेंस है, तो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है 1862। उसके बाद आते हैं एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इम्प्लाइड, और है ना, बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कभी कभी क्या है ना कि आउट ऑफ कंडक्ट, बिना बोले बिना लिखे हुए भी दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप सड़क पे हैं, है ना, आपने हाथ दिया, मतलब ऑफर किया आपने बस वाले को या टैक्सी वाले को या ऑटो वाले को कि मैं आप पे बोर्ड करना चाहता हूँ, चढ़ के कहीं सर, है ना, जर्नी करना चाहता हूँ। उन्होंने रोक दिया, रोक देने का मतलब क्या है, उसने आपको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कैसे एक्सेप्टेंस है भाई, आउट ऑफ कंडक्ट, आउट ऑफ कंडक्ट, है ना, कंडक्ट से। जैसे मैंने बोला कि ये आप जो ये पेन लेगा, है ना, मैं जो पेन अभी ये लेगा वो 20 रुपये में मैं दे दूंगा, ठीक है ना। आप आए, आपने कुछ नहीं बोला, मेरे हाथ से ये पेन ले लिया, इसका मतलब क्या कि आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, है ना, आउट ऑफ कंडक्ट आपने अपने एक्टिविटीज करके मुझे ये बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था जी एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। होप कि आपको ये सेशन भी, है ना, अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। तो इसी तरीके से हम अपने सेक्शन को, लेक्चर्स को इसी तरीके से फर्दर, है ना, ग्रेजुअली हम बढ़ाते जाएंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडी।